का उल्लंघन पाकिस्तान के विमान ने किया, हालांकि उसे वक्त रहते सेना की कार्रवाई ने वापस दौड़ा दिया। पीओके में विमान दाखिल हो गया, लेकिन ये भी कुछ देर पहले की घटना थी जिसके बाद हाई अलर्ट पर रखा गया है और यही परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से ये कदम इस वक्त अपने आप में बहुत अहम हो जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर हो या फिर गुजरात राजस्थान के बॉर्डर हो, पाकिस्तान से लगते हुए ये बॉर्डर के इलाके इस वक्त बेहद अहम है। और इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में भी हलचल बहुत तेज, क्योंकि गृह मंत्री ने भी एक अहम बैठक बुलाई है, रक्षा मंत्री अलग से मीटिंग्स ले रही हैं, और इन सभी मीटिंग्स पर विचार किन बातों पर हो रहा है? जमीन तैयार रहे, जमीन इस बात को लेकर कि भारत की आगे की रणनीति क्या होगी, और उस रणनीति के मद्देनजर अगर आज के दिन में कोई एक्शन होता है या कोई जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से होती है तो उसे लेकर तैयारी पुख्ता रहनी चाहिए, चाहे वो कूटनीतिक स्तर पर हो, चाहे वो किसी मिलिट्री एक्शन के स्तर पर हो, या फिर बॉर्डर्स को सील करने के स्तर पर हो। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो अभी की इमरजेंसी सिचुएशन को बयां कर रही हैं, और इसीलिए सुबह से आप आज तक पर ये लगातार कवरेज भी देख रहे हैं, जिसके मद्देनजर हमारे साथ गेस्ट का एक अहम पैनल इस वक्त मौजूद है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स बॉर्डर से लेकर दिल्ली श्रीनगर तमाम अहम स्पॉट्स पर मौजूद है, और ये गाड़ियों के काफिले को भी जब आप गुजरते हुए देख रहे हैं तो जो हलचल इस वक्त तेज है श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक, ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं। हमारे साथ अशोक वानी इस वक्त मौजूद है। अशोक, कोई नई जानकारी आपके पास? मीनाक्षी, तनाव काफी बना हुआ है नियंत्रण रेखा पर, खासतौर से अगर हम देखें कम से कम 15 जगहों पर जो है वहां पर जो है पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। लगातार जो है भारतीय सैनिक निशानों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। हम इस वक्त उरी में है, नियंत्रण रेखा का ये वो इलाका है जो जहां पर कल शाम को बर्फबारी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी आज सुबह के कई इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से जो है मोर्टार जो है दागे गए हैं भारतीय इलाकों पर, और लेकिन अभी तक फिलहाल खुशकिस्मती की बात यह है कि इनमें किसी तरह का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के बाकी सेक्टरों की बात करें वहां पर और भी ज्यादा तनाव बना है, चाहे पुंछ की बात करें, रजौरी की बात करें, नौशहरा सेक्टर की बात करें, या फिर कृष्णा घाटी, मंचकोट, ये सभी सेक्टर्स हैं जो नियंत्रण रेखा से सटे इलाके हैं, वहां पर लगातार तनाव बना हुआ है। आज इन नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में 5 किलोमीटर के दायरे तक स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। जिस अंदाज से लगातार कल रात से ही जब से पाकिस्तान में एरियल स्ट्राइक भारतीय वायुसेना की तरफ से हुई है तब से जो है तनाव बना हुआ है। और श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है और लेह का एयरपोर्ट है, जम्मू का एयरपोर्ट है, उनको फिलहाल ऑपरेशन के चलते जो है आम आवाजाही के लिए बंद रख दिया गया है। शुक्रिया आपका।